इतिहास शायद एक बार फिर से अपने आप को दोहराने वाला है, क्योंकि हम सबकी चहेती ऑल टाइम फेवरेट मूवी गदर का सीक्वल आने वाला है, जो रिलीज होने वाली है इसी साल 11 अगस्त 2023 को। और इससे रिलेटेड जी स्टूडियोज की तरफ से ऑफिशियल टीजर आज इंटरनेट पर रिलीज कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियली रिलीज किया गया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगी। गदर 2 के टीजर से कंफर्म है कि इस फिल्म की टाइमलाइन 1971 के पृष्ठभूमि पर आधारित है। मतलब आप ये समझो कि ओरिजिनल फिल्म गदर से इस फिल्म में ऑलमोस्ट 20 से 22 साल का टाइम जंप दिखाया गया है। तारा सिंह की उम्र काफी बढ़ गई है और ये वक्त है इंडिया पाकिस्तान के 1971 के युद्ध का। और ऐसा अनुमान है कि फिल्म में तारा सिंह का बेटा चरणजीत यानी जीते, जो पिछली मूवी में काफी छोटा था, जो भारतीय सेना में भर्ती हो गया है, वो 1971 के वॉर के वक्त गलती से पाकिस्तान में रह जाएगा और फिर तारा सिंह उसको पाकिस्तान से इंडिया वापस लाने के लिए दुनिया आसमान एक कर देगा। पिछली फिल्म की तरह ही इस फिल्म के डायरेक्टर भी अनिल शर्मा है, जो कि इस बात का कंफर्मेशन है कि फिल्म का फील वही होने वाला है जैसा कि पिछली मूवी में हमें दिखा था। और साथ में वापस आ गया है हमारा तारा सिंह गजब के एक्शन के साथ गदर 2 में। और पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी सनी देओल की हीरोइन अमीषा पटेल होंगी, जो वापस लौटेंगी सकीना के किरदार में। और एक बार फिर से उनके साथ सनी देओल की केमिस्ट्री देखना लाजवाब होगा। 2001 में जब गदर का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था, तो इस फिल्म के साथ एक और ऐतिहासिक बॉलीवुड फिल्म सेम डे रिलीज हुई थी, जिसका नाम है लगान। और ये दोनों ही फिल्म उस वक्त की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज में से एक थी। तो एक बार फिर से दर्शकों के दिल पे राज करने और इसी सफलता को बुनाने के लिए गदर के फर्स्ट पार्ट को 9 जून को दोबारा सिनेमा घरों में एक बार फिर से रिलीज किया गया है, वो भी रिमास्टर्ड प्रिंट और 4K वर्जन के साथ। और साथ ही में रिलीज किया गया था गदर 2 का टीजर, जिसे फाइनली ऑनलाइन अब 12 जून को रिलीज किया गया है। और अब कहां चल दिए, खबर अभी खत्म नहीं हुई है। इसी फिल्म के साथ एक और फिल्म थिएटर में 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म का नाम है एनिमल, जिसका ऑफिशियल पोस्टर अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसमें रणबीर कपूर के लुक को देखकर सबको हैरानी हो रही थी। और कुछ दिन पहले रणबीर कपूर के कुछ लुक्स की फुटेज इंटरनेट पे काफी वायरल हो गई थी, जो इसी फिल्म के सेट की थी। और कल इस फिल्म का एक प्री टीजर भी लॉन्च हुआ है, जो काफी ज्यादा ब्रूटल है, जिसमें कई सारे अतरंगी गुंडे चमचमाते लोहे का मुखौटा पहने हुए कुछ सिखों के सामने खड़े हैं, और एक पंजाबी गाने के साथ टीजर का आगाज होता है। और फिर एक शख्स लॉबी में आगे बढ़ता है हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए, और धीरे धीरे टीजर का बैकग्राउंड स्कोर अपने पीक पे आ जाता है। वो सारे अजीबोगरीब गुंडे उस शख्स से दूर हटने लगते हैं, क्योंकि शायद उन गुंडों को अब ये रियलाइज हो जाता है कि वो अब नहीं बचने वाले। और फिर उस लॉबी में एक खतरनाक सा ब्रूटल सा एक्शन सीक्वेंस होता है, और जैसे ही उस शख्स कुल्हाड़ी से उन गुंडों में से एक गुंडे को दीवार पे टांग देता है, तब हमें सिर्फ रणबीर कपूर का हाफ चेहरा दिखाया जाता है और लिख कर आता है स्क्रीन पर टीजर कमिंग सून। इस प्री टीजर को देखकर ये कंफर्म है कि इस फिल्म में खून खराबा तो बहुत होने वाला है। जी हाँ, मेकर्स की माने तो इतनी ब्रूटल मूवी, इतनी एक्शन पैक्ड ब्रूटल मूवी आज तक बॉलीवुड में नहीं बनी। संदीप रेड्डी वेंगा निर्देशित इस फिल्म एनिमल में हमें रणबीर कपूर बहुत ब्रूटल दिखने वाले हैं। इसी फिल्म के साथ 11 अगस्त को एक और फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है, ओ माय गॉड 2, जिसका अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टर आया है। पर सच बताऊं तो गदर 2 की एक्चुअल लड़ाई एनिमल से है, क्योंकि दोनों एक्शन मसाला मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस पर भारी मात्रा में आग लगाने के लिए काफी है। तो दोस्तों आप बताओ कि आप कौन सी फिल्म देखना चाहोगे, गदर 2, एनिमल या फिर ओ माय गॉड 2? तो दोस्तों मेरा कंफर्म है कि कौन सी मूवी देखने में सबसे पहले जाऊंगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सी मूवी देखने सबसे पहले जाओगे। तो दोस्तों फिर से मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।